jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच वन अड्डे सीरीज का पहला मैच रविवार को धर्मशाला में खेला गया, जिसमें मेहमान टीम ने मेजबान को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में इंडियन बॉलर श्रीलंकाई टीम के केवल 3 बैट्समैन को ही आउट कर सके, जिसमें तीसरा विकेट उपुल थरंगा का रहा, जिन्हें धवन ने एक शानदार कैच लेकर आउट कर दिया। हालांकि उनसे ये कैच छूट रहा था, लेकिन उन्होंने संभलकर इसे दोबारा ले लिया। मैच में ये इंसिडेंट 12.3 ओवर में दिखाई दिया, जब हार्दिक पंड्या की बॉल पर उपुल ने शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल स्लिप में खड़े धवन के पास चली गई। यूं तो ये कैच बेहद आसान था और सीधा धवन के हाथों में जा रहा था, लेकिन पहली बार में बॉल उनके हाथ से टकराकर उछल गई। इसके बाद धवन ने दोबारा कोशिश की और तेजी से इस कैच को लपक कर थरंगा की इनिंग को खत्म कर दिया। 46 बॉल पर 49 रन बनाकर आउट हुए।